वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन पाठशाला के तहत चिलुआताल थाना पर स्कूली छात्रों को उनके शिक्षक के साथ में आमंत्रित किया गया तथा उन्हें पुलिस कार्य प्रणाली व उनके दिनचर्या से अवगत कराया गया। इस अवसर पर ASP और CO कैंपियरगंज रोहन प्रमोद बोत्रे ने बच्चों को मोरल पुलिसिंग, यातायात नियमों की जानकारी तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग व महिला सम्मान तथा डायल 100 महिला हेल्पलाइन सहित अन्य बिंदुओं की जानकारी दी। इस मौके पर थानाध्यक्ष चिलुआताल भी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ASP और CO कैंपियरगंज रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा, होता है कि 24 घंटा हम रोक लेते हैं उनको, एक 24 घंटे के अंदर हम उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है हमको। लेकिन अगर हम कभी शाम को पकड़ेंगे तो शाम को तो न्यायालय बंद हो जाएगा ना, तो उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। किसकी होती है? पुलिस की होती है। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए हमारे यहाँ ये एक बंदीगृह बना हुआ है, पुरुष बंदीगृह, क्लियर है? पुरुष बंदीगृह में हम उनको बंद करते हैं। तो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले उसकी गिरफ्तारी यदि अत्यावश्यक न हुई तो गिरफ्तारी उसकी नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? उनके लज्जा का ध्यान रखते हुए, एक और गिरफ्तारी अगर होगी भी तो कोई महिला पुलिस कांस्टेबल के द्वारा होगी। हमारे थाने पे देखिए, इधर आइए नीलम, देखिए ये बावर्दी है, ये महिला कांस्टेबल है। अगर हमको किसी महिला की जरूरत पड़ेगी तो हम इनके द्वारा गिरफ्तारी करवाएंगे, ठीक है? अब इस महिला बंदीगृह की आवश्यकता समाप्त हो गई, क्लियर है? आइए, आप थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़े थोड़े लोग अंदर आ जाओ, थोड़े थोड़े लोग आ जाओ। लड़कियों को भी आ जाओ, आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ, गर्ल्स और पर्सन हो जाओ, लंबे बच्चे पीछे हो जाओ, एक आ जाओ बेटा, तुम लोग भी घर लड़कियां आ जाओ, लड़कियां उस साइड में हो जाओ, उस साइड में आ जाओ, ये जो बात हम आज बता रहे हैं आप लोगों को, तो अपने साथ जो क्लास में बच्चे हैं या जो दूसरे सीनियर है या जूनियर, उनको भी बताना, क्योंकि छोटी एरिया होती है इसलिए सबको एक साथ नहीं बताया जा सकता। आज हम आप लोगों को एक सांकेतिक रूप से बता दे रहे हैं, फिर किसी दिन आपके स्कूल में आपके सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो प्रेयर के बाद या जैसा भी एक टाइम हो जाएगा तो पूरे स्कूल को हम एक साथ वो कर देंगे, तो आप लोगों का माइंड मेकअप रहेगा। ये थाना कार्यालय है, क्या है? थाना कार्यालय। हमारे थाने पे जैसे कोई आपको किसी ने मार दिया, सपोज कीजिए आप घर जा रहे, घर के आपके पड़ोसी कोई है उसने मार दिया आपको, आपको कंप्लेन करना है, पुलिस कंप्लेन, एक एप्लीकेशन लिखेंगे सेवा में थाना प्रभारी, जिस थाने के अंतर्गत घटना होती है, जहां अपराध होता है उसी के थाने में FIR लाज होती है, क्लियर है? जब आप थाने पे आएंगे एप्लीकेशन लेके, तो ये हमारे दीवान जी, एक सबसे पहले डी अफसर बैठते हैं बाहर, जो एक सब इंस्पेक्टर होंगे, एक वो डी अफसर होते हैं और एक महिला आगंतुक के लिए एक महिला कांस्टेबल हमारी बैठती है, ठीक ना? जरूरी नहीं कि आप महिला है तो आप सब बात हमसे बता सके, कुछ बायसी बातें होती है जो महिला से ही बताई जा सकती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ एक महिला कांस्टेबल भी बैठती है, ठीक है? जब आप एप्लीकेशन आएगा, FIR दर्ज करने के लिए जो अफसर साहब होंगे उन्होंने FIR दर्ज करने के लिए वो कर देंगे। ये हमारे दीवान जी हैं, यहाँ पे आएंगे एप्लीकेशन देंगे। दीवान जी पहले, अब डिजिटल इंडिया हो गया है ना, पहले हाथ से FIR लिखी जाती थी, पहले हाथ से FIR लिखी जाती थी, लेकिन अब क्या है, डिजिटल इंडिया हो गया है, अब हर चीज कंप्यूटराइज हो गया है,
से अब ज्यादातर काम पेपरलेस होने लगा है, तो हमारा FIR भी, हमारी पुलिस भी डिजिटल इंडिया के रूप में आगे बढ़ रही है। ठीक, तो हम भी FIR वगैरह जो लॉज करते हैं वो कंप्यूटर में करते हैं। हमारे दीवान जी के पास आएगा, दीवान जी अपना उस पर मार करेंगे और ये कंप्यूटर रूम में ले जाके उसको मुकदमा दर्ज कराएंगे। ठीक, जब कोई मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो उसके एक IO नियुक्त होते हैं। IO मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ठीक, एक जो सब इंस्पेक्टर रैंक के होंगे वो IO होंगे, वो उसकी जांच करेंगे। ठीक, जांच करेंगे, विवेचना करेंगे, अगर विवेचना करने लायक हो तो विवेचना करेंगे, जांच करने लायक हो तो जांच की वो रिपोर्ट लगाएंगे। इसी प्रकार हमारे और ये ऑफिस के सहयोगी होते हैं। ठीक, अलग अलग उसमें कई काम है, जैसे आप कहीं सर्विस पाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन आएगा, अगर यहाँ के रहने वाले हैं तो मेरे थाने से कि आप चोर है, उचक्के हैं, आपके खिलाफ कोई अभियोग है, पंजीकृत है। आपको एक बताऊं, दुबे जरा वो निकालना, नंबर 8, आपको बताऊं कि थाना आज से तो चल नहीं रहा, ये अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। तो अंग्रेजों के जमाने से जो उस समय के लोग रहे होंगे उस समय से ही अभिलेख लिखा जाता है। पहले अंग्रेज थे तो उस समय उर्दू लफ्ज ज्यादा थी तो उर्दू में लिखा जाते थे, पुराने जो दीवान थे वो उर्दू में लिखते थे। ठीक, तो इस तरह से हर काम ये डिटेल बाय डिटेल यहाँ पे होता है, सारे रिकॉर्ड हमारे थाने पे होता है। अंग्रेजों के जमाने से रिकॉर्ड आज भी हमारे यहाँ पे है, जो शस्त्र होते हैं वो शस्त्र रहते हैं। ठीक, मैं आपको एक रजिस्टर दिखा दे रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, जो सबसे पुराने रजिस्टर हमारे थाने पे होते हैं, अंग्रेजों के जमाने से उर्दू निकाल रहे, उसके पन्ने बहुत कमजोर हो जाते हैं, इसलिए हम लोग अब उसमें नए नए पन्ने जोड़ते जाते हैं। तो आप भी जब भी सर्विस होती है, जब भी आपकी सर्विस लगती है, ये देखिए इसको कहते हैं रजिस्टर नंबर 8। ये हर गांव का अलग अलग रजिस्टर होता है, देख रहे कि इसकी शक्ल देख रहे कितनी पुराना है। पुराना इसलिए है कि ये अंग्रेजों के जमाने का है। एक आपको मैं शुरू का पन्ना उठा के दिखा दूं, ये देखिए इसकी ये दशा होती है, इसी बहुत इसको आराम से हम लोग उठाते हैं। देखिए इसमें कुछ उर्दू में भी लिखा होता है। ठीक, ये बात का गांव, देखिए इसमें कुछ उर्दू से भी लिखा हुआ है, ये है ना, जो पहले के दीवान हुआ करते थे वो उर्दू लफ्ज ज्यादा लिखते थे। इसमें सारे रिकॉर्ड हमारे होते हैं, जो आपका वेरिफिकेशन होता है हम इस रजिस्टर में देख लेते हैं, जो भी क्राइम हमारा लिखा जाता है वो इसमें उसका। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी ने जो एक कार्यक्रम शुरू किया है ऑपरेशन पाठशाला, उसके अंतर्गत आज हमने विश्व भारती स्कूल चिल्वाताल के स्टूडेंट्स को, एक कक्षा के स्टूडेंट्स को हमने चिल्वाताल थाने में बुलाया था। वहाँ पे उनको बेसिक थाना फंक्शनिंग के ऊपर एक ब्रीफिंग दी गई, कैसे थाना का फंक्शनिंग होता है, पुलिसकर्मियों की बैरक्स उनको दिखाई गई, कैसे लिविंग कंडीशंस कैसी है उनकी, हवालात कैसा है, CCTNS का क्या महत्व है पूरे पुलिस फंक्शनिंग में, बाकी जो बेसिक रजिस्टर्स होते हैं पुलिस के, तो बेसिक इसके पीछे एक मोटिव है कि लोगों में भी एक जागरूकता पैदा हो जाए बचपन से कि पुलिस की लाइफ कैसी होती है, फंक्शनिंग कैसी होती है।